for this learning session so let's start today we are going to start our lecture number 4 in today's lecture students we are going to solve some remaining questions of worksheet question number 4 of worksheet is draw the sketch of the following atom a carbon b calcium c potassium for each element write their short form valency and probable bonding सबसे पहले हम कार्बन को डिस्कस कर लेते हैं आपको कहा गया है कि आपको जो भी आइटम्स दिए गए हैं जैसे कार्बन दिया गया है आपको उसका स्ट्रक्चर स्केच ड्रॉ करना है और साथ साथ उस एलिमेंट की शॉर्ट हैंड फॉर्म भी लिखनी है और वैलेंसी भी बतानी है और वो किस तरह की बॉन्डिंग करेगा आपको ये भी बताना है तो सबसे पहले हमने कार्बन का स्ट्रक्चर बनाया है लेकिन आप सब लोग जानते हैं कार्बन का या किसी भी एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पता होना चाहिए तो हम सबसे पहले कार्बन की शॉर्ट हैंड फॉर्म लिखेंगे और आप सब लोग जानते हैं शॉर्ट हैंड फॉर्म लिखने के लिए हमें तीन इंफॉर्मेशन को यूज़ करना पड़ता है सबसे पहले उस एटम का सिम्बल दूसरा उसका एटॉमिक नंबर और तीसरा उसका मास नंबर एटम का सिंबल जब हम लिख लेते हैं तो उसके बॉटम साइड पर बेशक राइट साइड हो या लेफ़्ट साइड हो उसके बॉटम साइड पर हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर और उसकी टॉप साइड पर हम लिखते हैं मास नंबर तो कार्बन का क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है सिक्स तो हमने बॉटम पर लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पर सिक्स आप इसे बॉटम पर ही लिखें आप राइट right साइड पर भी लिख सकते हैं और कार्बन का मास नंबर होता है ट्वेल्व तो हमने टॉप साइड पर लिख दिया ट्वेल्व तो जब हमने जब कार्बन शॉर्ट हैंड फॉर्म लिख ली तो हमें ये पता लगा कि कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं सिक्स क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमें डिस्क्राइब करता है प्रोटॉन्स की क्वांटिटी के बारे में और जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इट मीन्स कार्बन के पास अगर सिक्स प्रोटॉन है तो सिक्स ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आप सब लोग जानते हैं स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें पास सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बनाना पड़ता है तो आइए अब हम कार्बन का स्ट्रक्चर बनाते हैं जब हम कार्बन का स्ट्रक्चर बनाने हैं तो न्यूक्लियस में तो हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखने होते हैं लेकिन हमें शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने पड़ते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करने के लिए हमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट को फॉलो करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन यानी कि आप रैंडम इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं कर सकते एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते हैं वो पैटर्न क्या होता है वो पैटर्न ये होता है कि के शेल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आते हैं के के बाद आपके पास आता है एल शेल उसमें आपके पास एट इलेक्ट्रॉन आते हैं फिर आता है एम शेल उसमें भी एट इलेक्ट्रॉन आते हैं फिर आता है एन शेल जिसमें एटीन इलेक्ट्रॉन आते हैं अब हमें कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है सिक्स की तो सबसे पहले हम कार्बन का एक शेल बनाएंगे और फर्स्ट शेल में आप सब लोग जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं दो तो हमने दो इलेक्ट्रॉन बना दिए लेकिन हमें दो इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं लिखने हैं हमें छः इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं तो रिमेनिंग कितने रह गए फोर तो हम एक सेकंड शेल बनाएंगे और सेकंड शेल में हमारे पास मैक्सिमम कितने आते हैं एट लेकिन जब कार्बन के पास बचे ही चार हैं तो हम इसके अंदर कितने बना देंगे चार इलेक्ट्रॉन इस तरह कार्बन का स्केच हमने ड्रॉ कर लिया आइए अब हम वैलेंसी देख लेते हैं वॉट इज़ वैलेंसी द कम्बाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड वैलेंसी और ये जो वैलेंसी है स्टूडेंट्स ये डिपेंड करती है दैट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ दैट एटम इन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देखते हुए ही आप वैलेंसी बता सकते हैं और वैलेंसी को देखते हुए आप बॉन्डिंग बता सकते हैं तो आइए स्टूडेंट्स कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को देखते हुए हम इसकी वैलेंसी फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स आपको एक और बात बता दें कि हर एलिमेंट चाहता है उसके लास्ट शेल या फिर वैलेंस शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स हों और अगर उस एटम के पास या एलिमेंट के पास लास्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो वो या तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा या फिर दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एट इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अब अगर आप कार्बन को देखते हैं तो कार्बन के लास्ट शेल में आपके पास फ़ोर इलेक्ट्रॉन्स हैं और स्टेबल होने के लिए कितने होने चाहिए एट इट मीन्स ये हाफ फिल्ड है एट का हाफ़ होता है फ़ोर तो कार्बन के पास ये पावर है कि या तो कि किसी को चार इलेक्ट्रॉन दे देगा या फिर किसी से चार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा जब आउटर मोस्ट शेल हाफ फिल्ड होता है स्टूडेंट्स तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं इसीलिए कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्केच दैट इज कैल्शियम इसी तरह जैसे हमने कार्बन को ड्रा किया कैल्शियम को ड्रा करते हैं और कैल्शियम को ड्रा करने के लिए वही बात कि आपको कैल्शियम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होना चाहिए क्योंकि हमें उनकी शॉर्ट हैंड फॉर्म भी लिखनी है तो कैल्शियम का सिंबल होता है सी ए तो हमने लिख दिया सी ए अटामिक नंबर होता है ट्वेंटी तो हमने बॉटम लेफ्ट साइड पर लिख दिया ट्वेंटी और मास नंबर होता है कैल्शियम का फोर्टी तो हमने टॉप राइट साइड पर लिख दिया फोर्टी और आप सब लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर आपको डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर तो इस ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन्स को हमने कैल्शियम के शेल्स में ड्रा करना है तो पहले हमने फर्स्ट शेल ड्रा किया और हम सब लोग जानते हैं फर्स्ट शेल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो हमने दो इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग कर दी अब हमारे पास रिमेनिंग रिमेनिंग रह गए 18 इलेक्ट्रॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स की जब हमने फिलिंग करनी है तो आपके पास अब सेकंड शैल में तो 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं किए जा सकते क्यों क्योंकि उसमें मैक्सिमम आते हैं एट इलेक्ट्रॉन्स तो हमने सेकंड शैल में एट इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी इस तरह हमारे फ़र्स्ट शैल में दो इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में एट इलेक्ट्रॉन हमने टेन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी रिमेनिंग रह गए हमारे पास टेन तो अभी भी हमारे पास बाकी है तब तो हम थर्ड शेल ड्रॉ करेंगे और आप सब लोग जानते हैं थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एट तो हमने थर्ड शेल में भी एट इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए तो फर्स्ट में हो गए टू सेकेंड में हो गए एट और थर्ड में भी होगा एट तो इस तरह हमने ट्वेंटी में से एटीन इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर दिया अब हमारे पास रिमेनिंग रह गए टू इलेक्ट्रॉन्स तो हम फोर्थ शेल ड्रॉ करेंगे और फोर्थ शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर दिया इस तरह हमने कैल्शियम के ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन्स को फोर शेल्स में ड्रॉ किया प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ अब हमने ये कहा था वैलेंसी डिपेंड करती है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टू और स्टेबल होने के लिए इसके पास कितने होने चाहिए एट तो क्या ये किससे छः इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या सिक्स इलेक्ट्रॉन का किसी से लेना पॉसिबल है नहीं स्टूडेंट सिक्स इलेक्ट्रॉन किससे भी नहीं लिए जा सकते मैक्सिमम फोर इलेक्ट्रॉन्स लिए जा सकते हैं इसी वजह से कैल्शियम क्या करेगा अपने दो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देगा और जब एटम किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है तो क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसलिए इनके ऊपर चार्ज आ गया प्लस टू इट मीन्स कैल्शियम की वैलेंसी हो गई प्लस टू और जब ये किसी के साथ कंबाइन होगा तो उसे दो इलेक्ट्रॉन देके आयनिक बॉन्ड बना लेगा तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने कार्बन और कैल्शियम का स्केच ड्रॉ किया है हम पोटेशियम का भी ड्रॉ करते हैं पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 इट मींस आपको 19 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है जब इज इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आप प्रॉपर्टी करेंगे तो आप देखेंगे पोटेशियम के लास्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन आ रहा है इट मीन्स ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और बॉन्ड बना लेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हुई प्लस वन हो गई और वही वाली बात कि जब किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वो एटम हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं इट मीन्स पोटेशियम किस तरह की बॉन्डिंग करेगा आयनिक बॉन्डिंग करेगा लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर फाइव राइट डाउन द फार्मूला एंड नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स स्टूडेंट्स नीचे आपको तीन कंपाउंड्स दिए गए हैं ए बी सी उनका स्ट्रक्चर ड्रा करके दिया गया है और आपसे कहा गया है कि आप इनका फॉर्मुला लिखिए और इनका नेम भी बताइए तो हम ए को देखते हैं अगर आप ए को देख रहे हैं तो ए में आपको सेंटर में बिल्कुल कार्बन नज़र आ रहा है और उसकी फोर साइड्स पर आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं इट मीन्स इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हुआ सी एच यानी कि C1 है तो C के नीचे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे और H क्योंकि 4 है तो इसलिए H के सबस्क्रिप्ट में हमने लिख दिया 4 तो फॉर्मूला आ गया ए का CH4 और CH4 आपके पास फॉर्मूला होता है मीथेन का तो आपको पास कंपाउंड का नेम भी आ गया और फार्मूला भी आ गया अब आते हैं बी पर बी में आपको नज़र आ रहा है सेंटर में नाइट्रोजन है और इसकी तीन साइड्स पर हाइड्रोजन है यानी कि एक नाइट्रोजन है और तीन हाइड्रोजन है तो हमने बी का फॉमला लिखा है एन एच थ्री और एन एच थ्री आपके पास फॉमूला होता है अमोनिया का लेट्स मूव टूवर्ड सी सी में आपको नजर आ रहा है एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन दो साइड से कनेक्टेड है हाइड्रोजन से इट मीन्स दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन तो फार्मूला आपके पास हुआ एच टू ओ और एच टू ओ तो बहुत ईजी है आप सब लोग जानते हैं किसका फॉर्मूला होता है वाटर का ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सिक्स पर रीड ईच सनेरियो एंड डिसाइड वेदर अ फिजिकल और केमिकल चेंज हैज़ अकर्ड एंड गिव एविडेंस ऑफ योर डिसीजन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको चेंजेस इन मैटर से रिलेटेड बात पूछी गई है जो आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़े थे मैं आपको फिर से थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि फिजिकल चेंजेस कैसे पता लगता है आपको कब होते हैं फिजिकल चेंज के अंदर आपके पास उस मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है हो सकता है वो सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए ये स्टेट चेंज होती है उसका केमिकल फॉर्मूला कोई चेंज नहीं होता लेकिन केमिकल चेंज के अंदर आपको कैसे पता लगता है कि यहाँ केमिकल चेंज हो रहा है या तो वहाँ पर हीट रिलीज़ हो रही होगी या हीट एब्जॉर्ब की जा रही होगी या कोई गैस रिलीज़ हो रही होगी या फिर स्मोक या धुआं निकल रहा होगा ये चंद अहम बातें हैं जिसको देखते हुए आप फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस कर सकते हैं तो आइए इसी पॉइंट को समझते हुए हम सिनेरियोस को देखते हैं आई स्टूडेंट रिमूव अ लोफ ऑफ ब्रेड हॉट फ्रॉम द दवन द स्टूडेंट्स कट्स आ स्लाइस ऑफ द लोफ एंड स्प्रेड्स बटर ऑन इट आपसे कहा जा रहा है कि स्टूडेंट हैं उसने अवन में से एक जो ब्रेड बेक हो रही थी उसको गरम-गरम निकाला है फिर उसका एक स्लाइस कट किया और स्लाइस कट करने के बाद उसके ऊपर जो है बटर को स्प्रेड कर दिया अब आप बताइए केमिकल चेंज होगा या फिजिकल चेंज आप सब लोग अगर किसी गर्म चीज़ के ऊपर बटर अप्लाई करते हैं तो होता क्या है वो मेल्ट हो जाता है यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैटर की स्टेट चेंज हुई यानी कि पहले वो सॉलिड था अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया कोई गैस रिलीज़ नहीं हुई कुछ भी नहीं हुआ कोई खुशबू नहीं आई आपको किसी चीज़ की तो इट मीन्स ये कैसा चेंज है फ़िज़िकल चेंज आपने एविडेंस कैसे दिया एविडेंस ये लिख दीजिए कि फिजिकल स्टेट चेंज हुई है सिर्फ नो गैस और स्मोक इज़ गिवन ऑफ कोई गैस कोई स्मोक कोई खुशबू आपको नहीं आएगी तो इट मीन्स ये फिजिकल चेंज है ये आपने एविडेंस लिख दिया लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड सनेरियो यू फॉर गोट टू ड्राई द ब्रेड नाइफ वैन यू वॉश्ड एंड रेडिश ब्राउन स्पॉट्स अपेयर ऑन इट आपसे कहा जा रहा है कि आपने ब्रेड नाइफ़ ली है और उसको वॉश किया है लेकिन वॉश करने के बाद आप उसको ड्राई करना भूल गए कुछ टाइम के बाद जब आपने उसको देखा तो उसके ऊपर रेड स्पॉट्स आ गए अब आप बताइए कि इस सनेरियो में कैमिकल चेंज आया है या फिजिकल चेंज आया है तो क्योंकि स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है यहाँ पर केमिकल चेंज के अंदर आप सब लोग जानते हैं कोई नया सब्सटेंस बनता है तो आपकी नाइफ़ तो सिल्वर कलर की थी और उसके ऊपर रेड स्पॉट्स आ गए इट मींस यहाँ पर कोई नया केमिकल सब्सटेंस बना है तो इट मींस ये यकीनन यकीनन केमिकल चेंज होगा और एविडेंस आप क्या लिखेंगे एविडेंस हम लिखेंगे अ न्यू सब्सटेंस इज़ मेड बिकॉज ऑफ रेड स्पॉट्स आर टोटली डिफरेंट फ्राम आयरन क्योंकि आपकी जो नाइफ़ थी वो आयरन की थी वो तो सिल्वर कलर का था और आपके पास अब न्यू सब्सटेंस बना है आप एक कैसे पता लगा आपको इस तरह पता लगा कि उसके ऊपर रेड स्पॉट्स के पेरेंट्स आ गए स्टूडेंट्स इस तरह ये दो सिनेरियोस दिए गए हैं आपके पास एग्जाम में इसी तरह के कुछ डिफरेंट सिनेरियोस आ सकते हैं जैसे मैं आपको एग्ज़ैम्पल दूँ कि आपसे पूछा जाए कि हम जब पिज्ज़ा की डो को घूनते हैं और उसमें हम डालते हैं ईस्ट या फिर बेकिंग सोडा डालते हैं तो आपके पास वो राइज हो जाती है क्योंकि उसमें एक गैस की फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से वो डो राइज़ हो जाती है तो वो कैसा चेंज हुआ वो केमिकल चेंज हुआ और उसका एविडेंस आप क्या लिखेंगे अ गैस इज़ फॉर्म्ड यानी कि कौन सी गैस बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी तो इससे आपको पता लग गया कि वहाँ पर केमिकल चेंज हुआ तो स्टूडेंट्स इसी तरह के डिफरेंट सिनेरियोस आपके पास एग्जाम्स में आ सकते हैं तो आप अच्छे से केमिकल और फिज़िकल चेंज के डिफरेंस को याद रख लें ताकि आप पेपर में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर एट फिल इन द टेबल फॉर फॉलोइंग आइसोटोप्स आपको दो आइसोटोप्स लिखे गए हैं ऊपर क्लोरीन सेवनटीन थर्टी एंड क्लोरीन सेवनटीन थर्टी और साथ में दिया गया है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन तो आइए अब हम इस कॉलम को इस टेबल को फिल करते हैं आपको सबसे पहला आइसोटोप दिया गया है क्लोरीन 17 34 यानी कि ऐसा क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर तो 17 है लेकिन मास नंबर 34 है तो हम सबसे पहले इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं तो आप सब लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो इट मीन्स अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सेवनटीन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेवनटीन हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेवनटीन हुए तो आपने लिख दिया लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप कैसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हम फाइंड करते हैं मास नंबर में से यानी कि 34 में से माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर को यानी कि 17 को जब आप 34 में से 17 को माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए 17 इसी तरह सेकंड कॉलम में आपको दिया गया है क्लोरीन सेवनटीन और उसका मास नंबर है थर्टी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भी सेवनटीन होंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी सेवनटीन होंगे लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर तो जब आप थर्टी फाइव में से सेवनटीन माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे एटीन इसी टेबल को देखते हुए आपसे कुछ सवाल पूछा गया है कि वॉट इज़ एन आइसोटोप आइसोटोप क्या होता है तो आप सब लोग जानते हैं के एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट होने कहा जाता है आइसोटोप्स या फिर एक ही एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बिल्कुल सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो उन्हें कहा जाता है आइसोटोप्स सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाउ कैन यू टेल आइसोटोप्स अपार्ट यानी कि आप कैसे बता सकते हैं कि ये आइसोटोप्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो हमें कैसे पता लगता है क्योंकि आइसोटोप्स का टॉमिक नंबर तो सेम होता है हमें मास नंबर से पता लग जाता है कि भाई आइसोटोप्स हैं एक दूसरे के क्योंकि उनका टॉमिक नंबर सेम है मास नंबर डिफरेंट होता है राइट डाउन टू सच आइसोटोप्स ऑफ सम अदर ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के आप आइसोटोप्स लिखिए तो आपने हमने यहाँ कार्बन लिख दिया है कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं एक कार्बन ट्वेल्व होता है यानी कि कार्बन ट्वेल्व का एटॉमिक नंबर तो सिक्स ही रहेगा लेकिन मास नंबर क्या हो जाएगा ट्वेल्व एक कार्बन थर्टीन है जिसका एटॉमिक नंबर तो सिक्स ही रहेगा लेकिन मास नंबर क्या हो जाएगा थर्टीन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ तो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम आते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि क्वेश्चन नंबर थर्टीन है ये भी आपके पास आपके रजिस्टर में या हैंड आउट फॉर्म में मौजूद होंगे इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आपके पास जो फोर्टीन है उसमें भी आपके पास ए और सी के बारे में तो आप लोग जानते हैं लेकिन जो बी है वो थोड़ा डिफरेंट है इसलिए हम बी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं बी में आपको कहा गया है ड्रॉ ए डायग्राम टू शो वॉट हैपन्स वेन लिथियम एटम रिएक्ट विथ फ्लोरिन एटम एक्सप्लेन थ्री टू फाइव सेंटेंसेस वो आपसे कह रहे हैं आप डायग्राम की फॉर्म में शो कीजिए कि जब लिथियम रिएक्ट करता है फ्लोरीन के साथ तो क्या काम होता है और आपने इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है तो आइए ये देखते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स अभी आपने देखा क्वेश्चन में कहा गया था कि लिथियम और फ्लोरीन का जब आपस में रिएक्शन होता है तो क्या काम होता है आपने डायग्राम से शो करना है तो लिथियम और फ्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए हमें उनका एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए तो इसलिए हम सबसे पहले एटॉमिक नंबर देख लेते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है नाइन और मास नंबर होता है नाइनटीन लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है थ्री और मास नंबर होता है सेवन तो हमने फ्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया फ्लोरीन के नाइन इलेक्ट्रॉन्स कैसे ड्रॉ करेंगे फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन जब हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन और सेकेंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन अब अगर आप गौर करें अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हर आइटम चाहता है उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हों एट इलेक्ट्रॉन्स हों तो फ्लोरीन के पास सेवन इलेक्ट्रॉन है उसे एट इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वन इलेक्ट्रॉन जबकि लिथियम के पास लास्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन है और अगर उसे एट इलेक्ट्रॉन्स करने हैं अपने लास्ट शेल में तो उसे किसी से सेवन इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे जो कि इम्पॉसिबल है तो होगा क्या लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा फ्लोरीन को इस तरह फ्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस और क्योंकि लिथियम ने अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे दिया है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन लिखी है कि लीथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था उसके आउटर मोस्ट उस शेल में तो वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को डोनेट करके आयनिक बॉन्ड बना सकता है बिल्कुल इसी तरह फ्लोरीन के पास सेवन इलेक्ट्रॉन थे उसके आउट्रमो शेल में तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट एक एक करके आयनिक बॉन्ड बना सकता है तो इस तरह लिथियम और फ्लोरीन दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है फ्लोरीन को फ्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और इस तरह यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन का क्योंकि ट्रांसफर हुआ है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बना है आयनिक बॉन्ड तो इट मीन्स लिथियम फ्लोराइड के अंदर कैसा बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स इसी तरह की कोई एग्जाम्पल भी आपके पास पेपर में आ सकती है तो आपको सबसे पहले उनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए ताकि आप उनके स्ट्रक्चर्स ड्रा कर सकें और फिर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखते हुए आपने बताना है कि कौन किस को इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट एंड हो जाती है स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग फॉर योर एग्जाम्स अल्लाह हाफिज़